बात करते हैं उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान की। देवभूमि में 9 विधायकों की बगावत के बाद हरीश रावत सरकार की कुर्सी खतरे में आ गई है और कल देर रात उत्तराखंड में बीजेपी के 26 और कांग्रेस के 9 बागी विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। वहां से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि जरूरत हुई तो विधायकों के साथ राष्ट्रपति के पास भी वो जाएंगे। विजयवर्गीय के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने और चुनाव दोनों के लिए तैयार है। इन 35 विधायकों की बीजेपी हाईकमान से अब मुलाकात भी होने वाली है। उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार के पास अब बहुमत नहीं है और अब उन्हें एक मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। हमने महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन किया है कि अल्पमत वाली सरकार को तत्काल बर्खास्त करें। महामहिम से कहा है कि फिर से एक बार बहुमत हमारे साथ है, 35 लोग हम आपके सामने बैठे हुए हैं, आप सरकार बनाने का अवसर प्रदान करें। महामहिम जी ने कहा है, राज्यपाल जी ने, कि मैं सरकार से रिपोर्ट मंगवाऊंगा और कल उसके ऊपर अपनी हम महामहिम राज्यपाल जी के निर्णय का इंतजार करेंगे। आज पूरे 35 विधायक दिल्ली आ गए हैं और बीजेपी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे और अपेक्षा करेंगे अगर आवश्यक हुई तो ये 35 विधायक महामहिम राष्ट्रपति के पास भी जाकर बताएंगे कि उत्तराखंड में किस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। इससे पहले बीजेपी के 26 और कांग्रेस के 9 बागी विधायक देर रात 2 बजे के करीब दिल्ली पहुंचे। दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले देहरादून में बीजेपी ने अपने 26 और कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की गवर्नर के सामने परेड करवाई और हरीश रावत सरकार को अल्पमत में बताकर तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। जहां कल गवर्नर से 35 विधायक मिले, वहीं देर रात दिल्ली 35 विधायक पहुंच गए। गिर जाएगी हरीश रावत सरकार। उत्तराखंड में फिर खिलेगा कमल। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी का दावा है कि सूबे की रावत सरकार अल्पमत में आ गई है। कल देर रात बीजेपी के 26 विधायकों ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों के साथ मिलकर राज्यपाल के पॉल से मुलाकात की और कुल 35 विधायकों की उनके सामने परेड करवाई। राज्यपाल को मिलकर हमने ये सरकार तुरंत इसी क्षण से डिसमिस करने का हमने रिक्वेस्ट किया। आपके यहाँ कितने आदमी गए? हमारे पास 35 विधायक आज अभी उनकी परेड हमने राज्यपाल के सामने कराई। कांग्रेस के कितने थे? कांग्रेस के 9 और भारतीय जनता पार्टी के 26। राज्यपाल से मिलने के बाद सभी कांग्रेस और बीजेपी के 35 विधायक सीधे एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचे। निश्चित रूप से हरीश जी की सरकार अब अल्पमत की सरकार है। अब उन्हें नैतिकता के आधार पर एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। हमने महामहिम जी से कहा है कि आप देख सकते हैं प्रजातंत्र की हत्या हुई है, मतदान नहीं कराया और अल्पमत की सरकार ने फाइनेंशियल बिल बस झटके से पास कर लिया। मेरा ख्याल है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रजातंत्र की हत्या हुई। कांग्रेस के बागी ग्रुप के नेताओं ने सरकार पर जनता के साथ धोखा करने और भ्रष्टाचारियों की मदद करने का आरोप लगाया है। इनके मुताबिक अब नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। 35 विधायक खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इस बजट के खिलाफ मतदान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष ने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा है महामहिम राज्यपाल से, इस सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, तत्काल इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो राज्य हित में हमने निर्णय लिया, अब बाकी जो है वो राज्यपाल करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति से मिलेंगे। इससे पहले कल दिन भर उत्तराखंड की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। विधानसभा में फाइनेंस बिल पेश होने के दौरान सदन में कुल 67 विधायक मौजूद थे। सदन में बीजेपी के 2 और बीएसपी का 1 विधायक मौजूद नहीं था। ऐसे में सदन में मौजूद अपने 26 विधायकों के साथ बीजेपी ने वोट डिवीजन की मांग की, जिस पर कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग को नकार दिया, जिसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने दावा किया कि सरकार अल्पमत में आ गई है और उसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ वैसे भी वो सरकार स्वतः ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था,
राज्यपाल जी से हमने कहा कि उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी आपके सर कितने लोग आए हैं सर, कितने विधायक आए हैं? 35 लोग आए। वहीं सीएम रावत ने कहा कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं। जो ये दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से बहुमत में है। यदि प्रतिपक्ष को हमारे बहुमत में कोई शक है तो हाउस अभी सेशन में है, वो अविश्वास का नोटिस दे और जो है हम फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि फला 35 हो गए हैं, फला ये हो गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। अब इन सियासी दावों के बीच सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई है। आज ये 35 विधायक बीजेपी हाईकमान से मिलकर आगे की रणनीति पर विचार कर सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर ये लोग राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने का वक्त भी मांग सकते हैं। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ, देहरादून से सोनू सिंह, जी मीडिया।